ठीक है दोस्तों, इसको हमारे जो भी नेटवर्क है हम उस नेटवर्क पर इसको ओके कर देंगे ले जाकर। यहाँ पर ये सभी सभी नेटवर्क आए हुए हैं हमारे वाईफाई के, तो इनमें जो भी हमारा नेटवर्क काम करेगा हम उसी नेटवर्क पे ओके करेंगे जिसका हमें पासवर्ड पता होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब आपको जो पासवर्ड है वो भरना है। हमारा जो पासवर्ड है हम उसको डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो पासवर्ड है हमने उसको डाल दिया है, और अब इसको सबसे नीचे जो नीचे यहाँ पर है इसको यहाँ पर नेक्स्ट पे करके ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्मार्ट एलईडी। दोस्तों अगर आपके पास भी स्मार्ट एलईडी है तो आप इसमें वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, हॉटस्पॉट कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम आपको इसमें वाईफाई हॉटस्पॉट कनेक्ट करके बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहें। तो दोस्तों अगर आपके पास स्मार्ट एलईडी है तो आपको क्या करना है, आपको सेटिंग का आइकन ढूंढना है अपनी एलसीडी में। तो दोस्तों सेटिंग का आइकन ये होता है, ये वाला जो आप हमारे मोबाइल में भी होता है, सेम इसी तरह का सेटिंग का आइकन बना होता है इसके अंदर भी, एलसीडी के अंदर भी। तो आपको सेटिंग के आइकन पर ओके करना है। दोस्तों ये आइकन सभी एलईडी में सेम आता है। तो अब ये यहाँ पे ओके करने के बाद में दोस्तों ये आ गया सिस्टम सेटिंग, इस पर फिर से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में दोस्तों ये आ गया यहाँ पे नेटवर्क, ये नेटवर्क ये वाईफाई के नेटवर्क वगैरह होते हैं, इसमें नेटवर्क यहीं से कनेक्ट होते हैं। वो दोस्तों सभी एलसीडी में इसी तरह से आते हैं सभी में। तो फिर से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों ऊपर आ गया वायरलेस नेटवर्क, यानी कि जो बिना वायर के कनेक्ट होने वाले जो नेटवर्क होते हैं वो ये वाले होते हैं सारे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको नीचे ला के ना नीचे करेंगे रिमोट से। इसको नीचे करने के बाद में इस पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में दोस्तों जितने भी हमारे वाईफाई के नेटवर्क है यहाँ पे जो ओपन है, जो वाईफाई के, जो हॉटस्पॉट के, जो मोबाइल के, जो भी खुला हुआ होगा उसकी सबकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। ये सभी नेटवर्क की लिस्ट है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो आप जिसका पासवर्ड आपको पता हो, जिसके बारे में, जिसके नेटवर्क के बारे में आप सही से जानते हो कि इसका पासवर्ड आपको मालूम है, तो आप उसको सिलेक्ट कर ले। जैसे कि मुझे इसका वन प्लस का पता है। ठीक है दोस्तों, इसका पासवर्ड मुझे मालूम है, तो इस पर मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में दोस्तों इसमें जो हमारा पासवर्ड है हम इसमें अपना वो पासवर्ड डाल देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 3। ठीक है दोस्तों, हमारा यही पासवर्ड है। अब इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये नीचे यहाँ से रिमोट से डायरेक्ट नहीं आएगा, ये यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो ये जो लाइन आ रही है ना, ये इसको आपको इस पर लाना पड़ेगा, यहाँ पे नेक्स्ट पर। जैसे आप इसको नेक्स्ट पर लाएंगे तो यहाँ पर इसको ओके करोगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको जैसे ये नीचे आ जाएगा आप इसको ओके करेंगे। ओके करते ही दोस्तों हमारे नेटवर्क कनेक्ट हो गए यहाँ पे, ये देखिए ये हो गया हमारा वन प्लस का कनेक्ट हो गया नेटवर्क। ठीक है, मैं अब आपको इसको दिखा देता हूँ बाहर भी जो वाईफाई का आइकन बना आता है एलसीडी पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले यहाँ पे इस आइकन पे एक लाइन बनी हुई थी, अब वो हट गई है, यहाँ पे इसे कनेक्ट हो गया है। तो अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, इसमें यूट्यूब चला कर दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है दोस्तों, ये है यूट्यूब, मैं इसमें आपको YouTube चला देता हूँ। दोस्तों इसको मैं क्या ब्लर कर दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों इसमें कॉपीराइट का इशू होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ब्लर करना पड़ता है हमें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वाईफाई चल गया है इसमें। ठीक है दोस्तों, वाईफाई के सभी नेट, सभी जो भी हम चलाना चाहेंगे वो चल जाएगा इसमें आराम से। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये वाईफाई का चालू हो गया है। ठीक है, हम जो भी इसमें चलाना चाहेंगे वो सब चलेगा। ठीक है दोस्तों, जो भी हम चलाना चाहते हैं इसमें वही सब चलेगा, क्योंकि अब हमारे वाईफाई के नेटवर्क इस पर कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके पास भी स्मार्ट एलईडी है तो दोस्तों इसी तरह से आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारी आने वाली सभी वीडियो स्मार्ट एलईडी के बारे में होंगी, और आपको जो भी समस्या आती है उन समस्याओं के बारे में होती है। तो दोस्तों जब जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और घंटी बेल आइकन का बटन दबाएं दोस्तों, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी वीडियो दोस्तों अच्छी लगी है, कैसी भी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताते दोस्तों तभी हमें पता लगता है कि हमारी वीडियो देखने से किसी का कुछ काम अच्छा हुआ है।